किया गया था वो कौन महिला थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो दो है, ये नरगिस दत्त जो है ये महिला को जो है ये अभिनेत्री जिसे राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक राजा कौन थे? तो ये कौन राजा थे? तो कनिष्क राजा थे जो कि बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वो क्या है? चलिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है, तो ऑप्शन नंबर दो जो है हाइड्रोजन, ये सभी अम्लों के लिए जो है समान है। ठीक है, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? आपको जाहिर सी बात है पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर तीन में जो दिया गया है 7, सूर्य प्रकाश में स्पेक्ट्रम में जो है 7 रंग होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर कहीं भी मिसस्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग समझ लेना कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत मैंने कह दिया हो तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसे सुधार दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो झूम पैदावार प्रचलित है कहाँ पे प्रचलित है? तो ये आपका है मणिपुर में जो है ये झूम पैदावार प्रचलित है। ठीक है, झूम पैदावार जो है मणिपुर में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि रेलवे के ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मौसम में रवि की फसल बोई जाती है? ठीक है, किस मौसम में बोई जाती है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 4, नवंबर के महीने में जो है रवि फसल की जो भी है बोई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? आप लोगों को पता है क्या नहीं है अकबरनामा के लेखक कौन है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर 3 जो है अबुल फजल, ये है अकबरनामा के लेखक। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का जो टोटल क्वेश्चन है ना, ये आप लोग रट लेना। 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ था नहीं हुआ था, बहुत सारे इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप लोग मेरा मानो कि 1857 के पॉइंट्स जो है आप लोग लुसेंट में जाके पढ़ लेना टोटली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो है, विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था उस टाइम विद्रोह के समय? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वीर सावरकर जो है ने यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उर्मिला नागर का संबंध किस नृत्य से है? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कंपटीशन में जो है ये क्वेश्चन आ भी जाता है। तो उर्मिला नागर का संबंध किस नृत्य से है? तो ये जो है आपका कथक से जो है रिलेटेड है, ये कथक करते हैं, कथक से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? वह राज्य कौन सी है? तो वो राज्य जो है आपका मेघालय है, जो कि जिसकी सीमा जो है म्यांमार से नहीं मिलती है। ठीक है, राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, उपराष्ट्रपति जो है इसकी अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताइए दोस्तों, समुद्री जल, साधारण जल, वर्षा जल या आश्रित जल? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, समुद्री जल जो है सबसे अच्छा स्रोत है विद्युत चालक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपको पता होने चाहिए कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये साइंस से क्वेश्चन है। 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है,
ये रियल इंजन जो भी आता है ये सब सारे हॉर्स पावर में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत हीटर की कुंडली किस चीज की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किस चीज की बनी होती है, तो ये है आपका नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजाद भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हो रही है तो रेलवे के बारे में भी जानना आपको जरूरी है। तो आजाद भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दो है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये जो है आजाद भारत के बाद प्रथम रेल मंत्री के रूप में आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृत नहीं है, मतलब कौन सी कालिदास की रचयिता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर जो है देवचंद्र गुप्तम जो है यह कालिदास की रचयिता नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पन्ना लाल पटेल किस भाषा के साहित्यकार है। तो किस भाषा के साहित्यकार है आपको पता है, नहीं पता है तो जान लो कि ऑप्शन नंबर जो तीन है गुजराती, ये गुजराती भाषा के साहित्यकार थे पन्नालाल पटेल। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर दो जो है रास बिहारी बोस ने 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है, भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये रेलवे का कारखाना है भिलाई इस्पात, आप लोग जहां रहते होंगे या फिर अगर आप इस इलाके में होंगे तो देखे होंगे। तो यह कारखाना जो है किसके कौन से देश के सहयोग से बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर तीन जो है रूस के मदद से जो है यह भिलाई इस्पात कारखाना को तैयार किया गया था। ठीक है, और मैं जहां रहता हूं वहां पे एशिया का सबसे पहला कारखाना है जमालपुर रेल इंजन जो है कारखाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना कि मैं जो है टोटल 25 क्वेश्चन जो शेयर करता हूँ आपका, वो आपका जो जनरल साइंस है, जनरल जीके है, जनरल करंट अफेयर्स है, वो सारे मिक्स करके जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये आपको पता होनी चाहिए कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है, आर्किमिडीज लॉ के ऊपर जो ये काम करती है पनडुब्बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई, यानी कि सेल की स्थापना कब हुई। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ये है, दो नंबर जो है 1974 ईस्वी में जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो भी दिवस मनाया जाता है, जैसे अभी पिछले दिनों योग दिवस गया, तो इस तरह के दिवस को आप याद रखना। तो यहाँ पे अब ये बता दो कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर फोर, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह के दिवस को आप लोग याद रखना, मैं अपने क्वेश्चन में हर एक दिन में जो कोई ना कोई दिवस को आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग ध्यान से देख के याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माओरी जनजाति कहाँ की निवासी है। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने 2-3-4 सेट लगाया उसमें जो है ये एक क्वेश्चन जो है कॉमन आया। तो माओरी जनजाति कहाँ की निवासी है, तो मुझे लगा कि ये आपसे आपके साथ जो है शेयर करनी चाहिए। तो माओरी जनजाति जो है ये न्यूजीलैंड की एक जनजाति है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। सो गाइज, आज का 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने गलत बता दिया हो तो आप प्लीज उस क्वेश्चन का नंबर देके और आंसर देके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये भी बता देना कि मेरा ये वीडियो से आपको कितना हेल्प हुआ है, आप वीडियो को लाइक करके मुझे बता देना। और जो नए लोग हैं, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस तरह का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना। और घंटी जब दबाओगे तो इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल पाएगी।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।